हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वेब ऑफ सोशियोलॉजी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर ऑल द न्यू अपडेट्स। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का टेस्ट सीरीज नंबर 41। तो फिर चलिए देखते हैं पीपल, डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट से नेक्स्ट क्वेश्चंस, जो कि है क्वेश्चन नंबर 91। द ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम इज, तो फिर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव, यानी कि टू डिटरमाइन स्टैटिस्टिक्स एंड ट्रेंड्स ऑफ एम्बियंट एयर क्वालिटी, देन to ascertain whether the prescribed ambient air quality standards are violated, then to identify non-attainment cities. All the three are the correct answer. Next question number 92. The National Ambient Air Quality Standards was revised in November 2009 for pollutants like, तो फिर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज, यानी कि लेड, ओजोन एंड बेंजेन, ऑल द थ्री आर द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93. इन विच ईयर नॉइस पॉल्यूशन इंक्लूडेड इन द एयर एक्ट PCP, तो फिर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि है 1988। Next question number 94. India's first air quality index was launched in which year? तो फिर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि है 2015। Next question number 95. Which of the following is or are the objective of air quality index? तो फिर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव, यानी कि ये तीनों ही इसके सही आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट मोबाइल एप्लीकेशन सर्विसेज इन इंडिया टू प्रोवाइड अ करेंट एंड एडवांस फोरकास्ट फॉर एयर क्वालिटी, तो फिर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि है सफर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97. विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इम्पोर्टेंट सोर्सेस ऑफ वाटर पॉल्यूशन, तो फिर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज, यानी कि एग्रीकल्चर वेस्ट, then industrial wastes, then domestic wastes, all the three are the correct answer. Next question number 98. Due to which type of water pollution oxygen level decreases into water and new species take over, तो फिर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि है थर्मल वाटर पॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इम्पोर्टेंट मेजर टू कंट्रोल वाटर पॉल्यूशन, तो फिर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव, यानी कि ये तीनों ही इसके सही आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100. Which of the following is or are the important government steps to control the water pollution, तो फिर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव, यानी कि नंबर ए, नंबर बी एंड नंबर सी, ये तीनों ही इसके सही आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 101. Which of the following are the sources of noise pollution, तो फिर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव, यानी कि क्लाउड, थंडर, देन टॉर्नेडोज, then sound from industrial machines. All the three are the correct answer. Next question number 102. The effect of noise pollution can be. तो फिर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द एबव, यानी कि टेम्पररी और परमानेंट डिफनेस, देन एबोशन, देन इट वीकेंस द एडिफाइस ऑफ बिल्डिंग्स. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 103. द सोर्स ऑफ सॉइल पोल्यूशन इज. तो फिर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द एबव, यानी कि न्यूक्लियर वेस्ट, agricultural waste and industrial waste. All the three are the correct answer. Next question number 104. Which of the following is the important measure to control soil pollution? तो फिर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द above, यानी कि much of our waste can be recycled or incinerated to lessen pollutants. Then predetermined holes are used to dump mining waste which comes from mining. Then rules and regulations regarding waste should be addressed and enforced. All the three are the correct answer. तो फिर चलिए स्टेज 6 का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 105. वेस्ट कैन बी ऑफ. तो फिर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज, यानी कि सॉलिड, देन biomedical, then liquid. All the three are the correct answer. तो फिर चलिए आज के लिए बस इतना ही. Thanks for watching. Take care. जय हिंद.